फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को हमने यूनिट वाइज बनाया है। तो पहला यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज डेवलप्ड बाय गाइडू वैन रॉसम। इट इज हाईली रीडेबल लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन? अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो जावा सिंटैक्स आर कॉम्प्लेक्स कंपेरिजन टू पाइथन, पाइथन सिंटैक्स आर ईजियर कंपेरिजन टू जावा। अगर हम स्पीड की बात करें तो जावा इज स्टैटिकली टाइप सो इट इज फास्टर, पाइथन इज मैनुअली टाइप सो इट इज स्लोअर। अगर हम कोड की बात करें तो लॉन्गर लाइन्स ऑफ कोड जावा, बट अगर हम बात करें पाइथन की तो शॉर्टर लाइन्स ऑफ कोड्स इन पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन? तो पहला फीचर है, कोड आर रिटन इन पाइथन इज ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड टू बाइट कोड एंड एग्जीक्यूटेड। सेकेंड है, पाइथन कैन बी यूज्ड एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। थर्ड है, पाइथन सपोर्ट्स मेनी फीचर्स सच एज नेस्टेड कोड ब्लॉक्स फंक्शंस क्लासेस मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। फोर्थ है, पाइथन मेक्स यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। फिफ्थ है हमारा, इट हैज़ मेनी बिल्ट इन डेटा टाइप सच एज स्ट्रिंग्स लिस्ट टपल एंड डिक्शनरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ स्टार्टिंग पाइथन? देर आर थ्री वेज टू स्टार्टिंग पाइथन। फर्स्ट वन इज द रनिंग अ स्क्रिप्ट रिटन इन पाइथन। सेकेंड है, यूजिंग अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। थर्ड है हमारा, एम्प्लॉइंग एन इंटरेक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टर इज यूज फॉर कमेंटिंग इन पाइथन? हैश सिंबल यूज होता है फॉर कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज पाइथन एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? पाइथन इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज इट गोज थ्रू एन इंटरप्रेटर विच टर्न्स द पाइथन कोड इन टू द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई प्रोसेसर ऑफ द कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन? पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनेमिक सिमेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन द टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ बिल्ट इन फंक्शन विच रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ एनी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन कैन टेक एनीथिंग as an argument and return its data type such as integer, string, dictionary, list, classes, module, tuples, function. Next question is, define the unary operator. The unary operator are operator with only one operand. These operators are basically used to provide sign to the operand like plus minus. Next question is, what do you mean by binary operator? Binary operators are operator with two operands that are manipulated to get the result. They are also used to compare numeric value and string value like greater than equals to, greater than equals to. Next question is, what is the purpose of Python path environment variable? Python path has a role similar to path. This variable tells Python interpreter where to locate the module file imported into a program. It should include the Python source library, dictionary and the directories containing Python source code. Python path is sometimes preset by Python installer. Next question is, what is the difference between list and tuples in Python? Lists are mutable, they can be edited. Tuples are immutable, it means we cannot edit tuples like list. Next difference is, lists are usually slower than tuples, tuples are faster than list. एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में ध्यान ये देना है, यहाँ पे हमारा ये ब्रैकेट यूज होता है और यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज होता है, यही हमारा लिस्ट और टपल्स में मेन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एरे एंड लिस्ट? एरे कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस डेटा, डेटा ऑफ द सेम टाइप। लिस्ट कैन स्टोर हेट्रोजीनियस एंड आर्बिट्रेरी डेटा। एरे यूजेज लेस मेमोरी टू स्टोर डेटा, लिस्ट रिक्वायर मोर मेमोरी टू स्टोर डेटा। अगर हम बात करें एरे की, द लेंथ ऑफ एन एरे इज प्रीफिक्स्ड वाइल क्रिएटिंग इट सो मोर एलिमेंट्स कैन नॉट बी एडेड। इन केस ऑफ लिस्ट, द लेंथ ऑफ अ लिस्ट इज नॉट फिक्स्ड सो मोर एलिमेंट्स कैन बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी मेक
मल्टीपल कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर इंक्लूडिंग मल्टीपल कमेंट्स लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामर्स कैन यूज ट्रिपल कोट स्ट्रिंग फॉर मेकिंग मल्टी लाइन कमेंट्स एज व्हेन अ डॉक स्ट्रिंग इज नॉट यूज्ड एज द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड अ मेथड, इट इज इग्नोर्ड बाय द पाइथन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Do you need to declare variable with the data type in Python? The answer is no. Python is dynamically typed language, that is, Python interpreted automatically identifies the data type of a variable based on the type of value assigned to the variable. Next question is, in some languages, every statement ends with a semicolon. What happens if we put semicolon at the end of the Python statement? A semicolon in Python denotes separation rather than termination. It allows you to write multiple statements on the same line. This syntax also makes it legal to put a semicolon at the end of the single statement. Mention 5 benefits of using Python. First one is the Python is easy to learn. Second one is the most automation, data mining and big data platforms defined on Python. Third one is the Python provides productive coding environment. Fourth one is the support extensive libraries. Fifth one is the Python uses different framework to simplify the development process. Next question is, define floor division with example. Floor division returns the quotient in which the digit after the decimal point are removed. But if one of the operands, dividend or divisor, is negative, then the result is float, that is rounded away from zero, means towards the negative of infinity. It is denoted by double slash. For example, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5:2, तो इसका आंसर आएगा 2. It means 2.5 के जगह पे ये हमारी लास्ट की वैल्यू को रिमूव करके ये केवल प्रिंट करेगा 2.0. क्वेश्चन इज, लिस्ट सम पाइथन IDEs. तो यहाँ पे 3 हमारे पाइथन IDE लिखे हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन सम द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन. कीवर्ड्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग ऑलरेडी हमारे कंपाइलर में डिफाइंड होती है. ये हमारे एंड, फॉल्स, इज, पास, रिटर्न एंड def. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल असाइनिंग वन वेरिएबल वैल्यू टू अनदर. देखिए एल्बर्ट की वैल्यू को हमने नेम वन में असाइन किया है, नेम वन वाली वैल्यू को नेम टू में असाइन किया है. फिर यहाँ पे नेम टू की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे तो ये अल्बर्ट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अल्बर्ट हमारा नेम वन पे पहले जाएगा, फिर नेम वन वाली वैल्यू नेम टू में जाएगी, और जब इसको प्रिंट कराएंगे तो अल्बर्ट प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज टू द सेम वेरिएबल. देखिए यहाँ पे अमाउंट के अंदर हमने 50 इंटीजर वैल्यू स्टोर कराया, जब प्रिंट कराएंगे 50 प्रिंट करेगा. यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रिंग वैल्यू 50 अमाउंट के अंदर स्टोर कराया, इसको जब प्रिंट कराएंगे तो ये 50 हमारा प्रिंट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन. तो हमारे दो तरीके टाइप कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे तीन तरीके को, पहला हमारा होता है वैल्यू बेस्ड एक्सप्रेशन ऑन RHS, दूसरा होता है करंट वेरिएबल ऑन RHS, एंड थर्ड होता है ऑपरेशन ऑन RHS. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स. तो हमारे ऑपरेटर के 7 कैटेगरीज हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, बिटवाइज, कंपैरिजन, आइडेंटिटी, लॉजिकल एंड मेंबरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टैटिक एनालिसिस. तो ये हमारे दो टूल्स हैं जो कि स्टैटिक एनालिसिस के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप यूज्ड इन पाइथन. बेसिक 6 हमारे पाइथन के डेटा टाइप होते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी एंड बुलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑपरेटर एसोसिएटिविटी विद इट्स टाइप. एसोसिएटिविटी डिसाइड्स द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस आर एग्जीक्यूटेड. देर आर टू टाइप्स ऑफ एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट. तो आज के वीडियो में इतना ही. आज के वीडियो में हमने यूनिट 1 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस किया है. पार्ट 2 में हम नेक्स्ट यूनिट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.